हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पुष्पलता किचन। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में बोला था कि मैं एक गुड न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो वो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, वो गुड न्यूज़ ये है कि फ्रेंड्स देखिए, मेरा एडसेंस पिन आ गया है और ये मुझे मिला तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही ये सब पॉसिबल हुआ है, तो आपके साथ शेयर करना तो बनता है। एक साल की कड़ी मेहनत का ये फल है, तो खुशी तो होगी ही, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। क्या क्या करना पड़ता है एडसेंस पिन के लिए, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी, कैसे करना पड़ता है, कब आता है, कितने दिनों में आता है, तो मैं सब ये शेयर करूंगी इस वीडियो में, ताकि जो लोग को आगे आने वाला है उनको हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद जब आपके अकाउंट में $10 हो जाते हैं, $10 या $10 से ज़्यादा हो जाते हैं, तब ये एडसेंस पिन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो जब हमारे 10 से ऊपर डॉलर हो जाते हैं, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के बाद लगभग कभी कभी होता है कि 15 डेज में, कभी 1 वीक में, कभी 20 डेज में, ऐसे ये पिन आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो अप्लाई किया था, और मैंने 18 को अप्लाई किया था और मुझे ये 8 फेब को मिल गया था, तो लगभग 20 डेज में मेरा मिल गया था पिन। और तो फ्रेंड्स, जो ये पिन है और ये हमको हमारे एड्रेस पे भेजा जाता है, और वो जो है, हम जो एडसेंस बनाते समय जो हम अपना एड्रेस देते हैं, उसी एड्रेस पे हमको ये पिन सेंड किया जाता है। और क्योंकि इसलिए आप जब भी एड्रेस भरें तो प्रॉपर तरीके से आप जहाँ रहते हैं वहाँ का ही एड्रेस दें, नहीं तो अगर गलत होता है तो पिन आने में प्रॉब्लम होता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमको जो है अपना जो एड्रेस है वो एकदम सही, अच्छे से और ध्यान से हमको भरना चाहिए, ताकि हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये जो पिन है वो आपके उसी एड्रेस पे भेजा जाता है जो आप अपने एडसेंस में एड्रेस देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारा पिन आता है, इसको हमको बहुत संभाल के खोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो ये दिया हुआ है ना, आप देख सकते हैं लाइन, इस लाइन से हमें रिमूव करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि यहाँ जो पिन अंदर नंबर है वो फटे नहीं, और नहीं तो फिर नंबर चला जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको रिमूव करना है, जब भी आप रिमूव करें तो इस लाइन से ही करें, तो इस बात का हमको इसमें बिल्कुल बहुत ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमें पिन आता है वो पिन हमको 3 अटेम्प्ट ही मिलता है करने के लिए, नहीं तो अगर आपने गलत भर दिया तो फिर वो कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप भरें तो जो भी उसमें OTP आया हुआ है, जो भी नंबर है, उसको एकदम करेक्ट हमको भरना है, एकदम एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, आसानी आराम से उसको भरिए, ताकि कोई गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, एडसेंस पिन आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या करना चाहिए, वो सब मैंने जानकारी आपको दी है इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।